हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट अपना। टॉपिक है बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सो देखिए, इसके अंदर अपने जो है सब टॉपिक डिस्कस किए हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन एंड वीडिंग। ये सब टॉपिक्स हम अपने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट जो आपका इसके अंदर सब हेडिंग है इसके अंदर, वो है आपका हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोविंग। देखिए स्टूडेंट्स, पहला आता है इसके अंदर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग भी यहाँ पे होगा, अगर देखिए क्रॉप जो है पूरा फुल्ली मैच्योर्ड हो जाएगा इसके अंदर, तो उसके बाद में उस क्रॉप को जो है कट करना पड़ता है इसके अंदर, उसी को बोलते हैं हार्वेस्टिंग बोलते हैं इसके अंदर। तो हार्वेस्टिंग जो है आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ क्रॉप जो है होने वाली प्रोसेस है। अब इस हार्वेस्टिंग के लिए जो है डिफरेंट मेथड्स अपन यूज करते हैं इसके अंदर। मैनुअली हार्वेस्टिंग भी होता है और जो है बाय मशीन्स के द्वारा भी हार्वेस्टिंग होता है। तो मैनुअली हार्वेस्टिंग एक जो है काफी टाइम कंज्यूमिंग और स्लो प्रोसेस होती है इसके अंदर आपका, ठीक है। और मशीन्स के अंदर आजकल जो है इसके अंदर हार्वेस्टिंग के साथ में कंबाइन जो कंबाइन होता है उसके अंदर हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग दोनों प्रोसेस कंबाइंडली हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, द कटिंग एंड कलेक्टिंग द मैच्योर क्रॉप फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड द हार्वेस्टिंग। यानी कट करना, उसको कलेक्ट करना, यही जो है आपका हार्वेस्टिंग हो जाएगा इसके अंदर, ओके सर। और नेक्स्ट इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर हार्वेस्टिंग अपने होता है कि मैनुअली हार्वेस्टिंग बाय द यूज ऑफ व्हीकल्स का यूज करके अपन करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा जो है इसके अंदर अपन हार्वेस्टर का यूज करके अपन करते हैं इसके अंदर। और आजकल जो है एक एडवांस मशीन है जो है कंबाइन बोलते हैं इसको, तो कंबाइन के अंदर हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों जो है साइमल्टेनियसली हो जाएगा इसके अंदर, ओके सर। तो यहाँ पे देखिएगा, हार्वेस्टिंग के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है इसका थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के अंदर क्या करें, जो हार्वेस्टेड क्रॉप है जो प्रॉपर ड्राई होने के बाद में उसके अंदर ग्रेन्स को सेपरेट करना और उसके अंदर जो वेस्ट है उसको जो है सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं थ्रेसिंग, ठीक है। तो थ्रेसिंग जो प्रोसेस है इसके अंदर, थ्रेसिंग इज द प्रोसेस बाय विच द ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द काफ। तो यानी जिसमें से ग्रेन्स को आपको सेपरेट किया जाएगा और जो वेस्ट है एग्रीकल्चर उसको जो है सेपरेट किया जाता है, ओके सुन। तो इसमें भी देखिएगा, थ्रेसिंग भी जो है वो मैनुअली और मशीन थ्रू हो सकती है, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर है तो मैनुअली थ्रेसिंग होता है, ठीक है। नहीं तो जो है मशीन के थ्रू या थ्रेसिंग मशीन या फिर जो है कंबाइन होता है उसके थ्रू हो जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेप आता है इसके अंदर स्टूडेंट विनोविंग। विनोविंग के अंदर देखिएगा स्टूडेंट्स, जो ग्रेन्स है उसके अंदर कुछ जो है इसके अंदर जो है क्रॉप के जो है कुछ पार्टिकल्स या फिर जो है हस्क जो है इसके साथ में रह जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो उसको जो है रिमूव करना है इसके अंदर, विंड की हेल्प से अपन रिमूव करते हैं, इसलिए इसको विनोविंग बोलते हैं इसके अंदर। तो इसमें अपन जो है ग्रेन्स के अंदर से जो काफ या हे जो है उसको जो है सेपरेट आउट करते हैं इसके अंदर। तो आफ्टर थ्रेसिंग द सीड्स और ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द काफ बाय विंड, है ना। तो इसको अपन विनोविंग बोलते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर अपने को क्या करना है, ग्रेन्स को जो है थोड़ा हाइट से जो है फॉल डाउन कराते हैं, तो विंड डायरेक्शन के अंदर तो जो लाइट इसके अंदर जो हस्क होगा वो जो है दूर चला जाएगा और जो ग्रेन्स है वो आपका एक जगह पे कलेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, ओके सर। और लास्ट स्टेप इसके अंदर आपका जो है इसके अंदर स्टोरेज, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपने ग्रेन्स कलेक्ट करें उसका प्रॉपर जो है स्टोरेज करना होता है। देखिए ग्रेन्स को स्टोरेज करने से पहले आपको क्या इसके अंदर जो मेनली ध्यान रखना है, जो ग्रेन्स है वो प्रॉपरली जो है ड्राइड होना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर भी मॉइस्चर का अमाउंट जो है बिल्कुल कम होना चाहिए। इसके अलावा देखिएगा, इसके अंदर आपको जो ग्रेन्स को जो है मॉइस्चर से दूर रखना है, तो अवे फ्रॉम मॉइस्चर उसको, यानी मॉइस्चर से जो है फंगस या जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ज़्यादा होता है, तो इससे उसको अवॉइड करना है। इसके अलावा जो है सेफ फ्रॉम रेन, यानी जो भी ग्रेन्स है उसको इस तरह से स्टोर करना है कि उसके ऊपर रेन वाटर या फिर वाटर के कॉन्टेक्ट में नहीं आए। प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट एंड बर्ड्स, ठीक है। और ग्रेन्स को आपको प्रोटेक्ट करना पेस्ट जैसे रोडेंट्स वगैरह, जैसे रैट्स वगैरह हैं और कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं या बर्ड्स जो होते हैं वो ग्रेन्स को ईट करते हैं, तो उनसे इनको प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो है स्टोरेज अभी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का। अगर प्रॉपर स्टोरेज नहीं होगा तो वेस्टेज ऑफ ग्रेन्स होगा, ओके स्टूडेंट। तो स्टोरेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और इसका प्रॉपर जो है अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो प्रॉपर पैकेजिंग करके उसका ट्रांसपोर्टेशन या मार्केटिंग करना होता है, ओके स्टूडेंट।
तो ये तो था आपका इसके अंदर बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर, ये जो है आपके स्टेप्स जो है कौन से फॉलो करते हैं जिससे अपन एग्रीकल्चर यील्ड्स को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं और क्वालिटी को अपन इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके सर, एक इसके अंदर एक लास्ट टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स। देखिएगा इसमें, देखिए अब मेरे को जो है फूड जो है मैनली प्लांट्स से ऑब्टेन होता है और कुछ फूड आइटम जो है अपने को जो है एनिमल से भी ऑब्टेन होता है। तो फूड फ्रॉम एनिमल्स, तो एनिमल से भी अपने को जैसे कुछ एनिमल्स जो है अपने को जैसे मिल्क है या मीट है या एग है, ये अपने को जो है एनिमल से मिलने वाला फूड है। इसके अंदर इसके अंदर देखिएगा जो एनिमल्स कीपिंग ऑफ एनिमल फॉर स्पेसिफिक पर्पज इज नाउन एज डोमेस्टिकेशन। ठीक है, तो एनिमल्स को जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए अपन अगर उसको उनका रेयरिंग करते हैं उसको डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। और एक देखिएगा इसके अंदर साइंस की एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो है वो एनिमल का रियरिंग और उनका जो हेल्थ है सेल्टर है इसका जो सभी को मैनेज किया जाता है। तो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद रियरिंग ऑफ एनिमल्स, रियरिंग यानी यहाँ पे पालना होता है इसके अंदर जानवरों को, लाइफ स्टॉक यानी जो अपने कैटल्स होते हैं इस नाउन एज एनिमल हस्बेंड्री। तो ये पशुपालन जो है वो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर एनिमल्स को अपन मैनली जो है मिल्क एग मीट वूल लेदर इनके लिए अपन इनका रेयरिंग करते हैं इसके अंदर। तो ये जो चैप्टर आपका अच्छा इसके अंदर बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर ये सारे जो स्टेप्स आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर जो है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर नहीं कर रखे उनको वापस कर उनको करना है और जिनका पहले से हो रखा है उनको नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो सारे टॉपिक आपने डिस्कस करे अभी क्लास पहले की क्लास में और आज उनको आपको प्रॉपर लर्न करना है। ठीक है, और लास्ट में एक इस चैप्टर का आपका एक टेस्ट होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।